सर्वेषाम् अभिनन्दनं स्वागतं विद्यार्थियों पहले कक्षाओं में हमने श्रीमद् भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय के अंतर्गत 13वें पद्य तक अध्ययन कर लिया था। आज हम 14वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। प्रसंग यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन भोगग्रस्त हो चुका है, अर्जुन विषादग्रस्त हो चुका है, अर्जुन अंतःकरण में टूट चुका है, अत्यंत दुखी हो चुका है, वह युद्ध करना नहीं चाहता क्योंकि उसके मन में बैठा है कि कहीं मेरे हाथों या धर्म नहीं हो जाए, क्योंकि सारे गुरुजनों की हत्या का, विनाश का और मेरे सगे संबंधियों के विनाश का भी कहीं भी कारण न बन जाए। इस प्रकार जब मोहग्रस्त होता है तब उसको समझाते उस प्रसंग में अर्जुन आगे पुनः कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्त्र कौंतेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या स्तंति तिक्षस्व भारत संधि विच्छेद आगमा पाइनः धन अनित्यः धन तान धन तितिक्षस्व बराबर आगमा पाइनो नित्या स्तं तितिक्षस्व अन्य हे कौंतेय शीतोष्णो सुख दुःखदाः मात्र स्पर्शाः अस्तु आगमा पाइनः अनित्यः अतः हे भारत तान तितिक्षस्व। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे कौंतेय हे कुंती पुत्र अर्जुन हे मध्यम पांडव अर्जुन शीतोष्ण सुख दुखदाह माता स्पर्श मात्रा स्पर्शास्तु आगम आपाइन अनित्या बोले शीत उष्ण सुख और दुख को देने वाले शीतम च उष्णम च सुखम च दुखम च तान ददाति ये ददति ये ते शीतोष्णो सुख दुखदा शीत शीतलता उष्ण उष्णता ठंडा और गर्म सर्दी और गर्मी सुख और दुख इन सब क्षणभंगुर विषयों को अनुभवों को प्रदान करने वाले मात्रा स्पर्शाह मात्राओं का जो स्पर्श है पंच तन्मात्राणी रूप रस गंध स्पर्श शब्द है। ये जो पंच तन्मात्राएं ये पंच तन्मात्राएं कौन है न पंच इंद्रियों जो ज्ञानेन्द्रियां उनका विषय है चक्षुरादि पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं पंच ज्ञानेन्द्रियों का विषय है रूप रस गंध स्पर्श शब्द। ये जो पंच तन्मात्राएं ये पंच तन्मात्राओं का जो स्पर्श है अर्थात इन इंद्रियों का इन रूप रस आदि जो विषय हैं इंद्रियों के जो विषय हैं इन विषयों के साथ जो संयोग है और इन संयोग जन्य जो अनुभव है सुख दुख आदि अनुभव है ये सब क्या है अनित्याः क्षणभंगुराः अनित्य है शाश्वत नहीं है क्षणभंगुर है विनाशशील है नाशवान है। इसलिए हे भरत वंशोत्पन्न अर्जुन हे भरत कुलोत्पन्न अर्जुन तांत तिक्षस्तो उन विषयों को भोगों को उन इंद्रियों के विषयों के साथ जो संयोग है उस संयोग जन्य जो सुख दुख आदि अनुभव है उनको तितिक्षस्तो तुम सहन करो। सहनशीलता ही सबसे बड़ी चीज है क्योंकि सुख दुख होंगे क्योंकि क्षणभंगुर शरीर जो है इस शरीर में इस प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होगी इस प्रकार की आसक्तियां पैदा होगी इस प्रकार का मोह उत्पन्न होगा लेकिन उन सबको भंग करना पड़ेगा धीर पुरुष को धैर्यशाली पुरुष को क्योंकि ये शरीर जब नाशवान है क्षणभंगुर है इस शरीर के साथ होने वाली जो इंद्रियां इंद्रियों के जो विषय हैं इंद्रियों का और विषयों के साथ जो संबंध है जो संबंध जन्य जो अनुभव है
ये भी सारे विनाशवान हैं, उन सबको सहन करो। लेकिन स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि तुम्हारे मन में इस प्रकार मोह आना है सामान्य व्यक्ति के रूप में, परंतु तुम सामान्य नहीं हो, एक श्रेष्ठ पुरुष हो, आर्य पुरुष हो, तुम एक महापुरुष हो, तुम एक मुनि की तरह हो, तुम मनन चिंतन करने वाले विवेकशील पुरुष हो, तुम्हें ये सबको परित्याग करना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर के जो धर्म हैं इस प्रकार के जो भाव है ये इनको तुम्हें सहन करके, सहनशीलता के गुण पर सहन करके तुम्हें अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसित होना पड़ेगा। और आगे फिर इनको और समझाते हुए, धैर्य प्रदान करते हुए, उनको उनका विषाद, उनका जो दुख है उसको निवारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण पुनः अर्जुन से कहते हैं, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषार्षवः समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। संधि विच्छेद, व्यथयन्ति धन एते, व्यथयन्ते ते सह धनमृतत्वाय सोमृतत्वाय अन्वयः, ही पुरुषार्षवः समदुःख सुखं यम धीरं पुरुषं एते न व्यथयन्ति सह अमृतत्वाय कल्पते। बोले ही यतो ही, क्योंकि हे पुरुषोत्सवः, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे आर्य पुरुष, हे समस्त मनुष्यों में, समस्त मानवों में सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करने वाले अर्जुन, तुम समदुःख सुखम यम धीरम पुरुषम येते न वैथयंती समृतत्वाय कल्पते। तुम ये समझो कि समदुःख सुखम, सुखे च दुखे च यह समवर्ती वा यस्य कृते सुखम च दुखम च समे स्थितः, सुख और दुख जिसके लिए समान हो, सुख और दुख के स्थिति में जो अपने समत्व अवस्था में अवस्थित करता है, समत्व को अनुभव करता है, चाहे सुख आए तो अत्यंत उद्वेलित, अत्यंत आह्लादित नहीं होता, दुख आने पर अत्यंत दुखी विषादग्रस्त नहीं होता है, उसको दुख कष्ट नहीं देते, सुख आनंद प्रदान नहीं करते, इस प्रकार अवस्था को प्राप्त करने वाला जो पुरुष है, यम धीरम, जिस धीर पुरुष को, जिस धैर्यशाली पुरुष को, जिस बुद्धिमान पुरुष को, जिस विवेकवान पुरुष को, एते ये जो विषय उनके साथ इंद्रियों का जो संयोग है, जो मात्रा स्पर्श है, ये जो अनुभव है, ये न व्यथयन्ति, ये व्यथित नहीं करते, पीड़ित नहीं करते, संतप्त नहीं करते, कष्ट प्रदान नहीं करते, सह वो धीर पुरुष अमृतत्वाय कल्पते, अमरत्व को प्राप्त कर लेता तथा अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष को अधिगम कर लेता, प्राप्त कर लेता है। क्योंकि मनुष्य के जीवन का चरम उद्देश्य पुरुषार्थ चतुष्टय की जो प्राप्ति है, उस पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत अंतिम पुरुषार्थ जो लक्ष्य है, अपवर्ग है, उसको प्राप्त कर लेता है, तो हम धैर्यवान पुरुष, धैर्यशाली पुरुष, बुद्धिमान पुरुष, वेगवान पुरुष, क्योंकि उसे इन इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सामने सुंदरी रूपसी युवती हो, चाहे कोई नहीं हो, चाहे धनवान, धन लक्ष्मी संपत्तियां सारे सामने हो, चाहे कुछ भी नहीं हो, दरिद्रता हो, चाहे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे वो एसी में हो, चाहे वो एकदम गर्मी में भरी धूप में घूम रहा हो, चाहे तुलितल्प बिस्तर पर लेटा हुआ हो, चाहे जमीन पर लेटा हो, जैसे कि भर्तृहरि ने कहा है कि मनुष्य कार्यार्थे न गणयति दुःखम न च सुखम, कहा है भर्तृहरि ने, जिस प्रकार ने कि क्या ना क्वचित कंथाधारी क्वचिदपि पर्यंक शयनम क्वचित साल्योधनरुचि, कि कहीं कंथाधारी और कहीं बढ़िया सा कपड़ा वस्त्र रेशमी वस्त्र मिल जाए कर ले, कभी जमीन पर सो जाता है, क्वचित पृथ्वी शय्या, क्वचित जमीन पर सो जाता है, क्वचिदपि पर्यंक शयनम, क्वचित पलंग पर भी लेट जाता है, कभी बढ़िया भोजन मिल जाता, कभी सामान्य भोजन मिल जाता, क्योंकि स्वाभिमानी मनुष्य पुरुष जो होता है उससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको सुख आए चाहे दुख आए सब बराबर है, क्योंकि उसको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित होना है, क्योंकि वो कसौटी मनुष्यता की, विवेकशीलता की कसौटी पर कसा हुआ व्यक्ति है। इस प्रकार अर्जुन तुम उसी प्रकार हो, तुम्हें इस प्रकार कोई सामने मर रहा हो,
कोई जी रहा हो, तुम युद्ध का जीतो चाहे युद्ध से हारो, तो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हें इस धर्म युद्ध करना पड़ेगा और अपने कर्तव्य कर्म पर आगे चलना पड़ेगा। इसी से ही तुम्हें मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। जिस प्रकार के धैर्यशाली पुरुष को ये जो इंद्रिय उसको कष्ट नहीं देते और इन सबको इन सबसे ऊपर उठकर वह मोक्ष की प्राप्त कर लेता, उसी प्रकार तुम इस मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। तुम्हें इसी प्रकार कोई बाधा विघ्न नहीं आना चाहिए। तुम्हारे मन में इस प्रकार की दुर्बलताएं हैं, कायरता के भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। आगे फिर समझाते हुए करें, क्योंकि शरीर और ये जो भौतिक चीज़ें ये नाशवान हैं, और जो वास्तविक तत्व जिसको तुम मरण धर्मा कह रहे हो, कि जिसकी तुम मृत्यु सोच रहे हो, वो नहीं होती, वो नित्य है, शाश्वत है। इस तत्व को समझाते हुए आगे पुनः श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टंता स्तनयो तत्वदर्शी। संधि विच्छेद बोले न धन भाव ना भाव उभयो धन अपि उभयोरपि दृष्टः धन अंतः धन तू धन अनयो धन तत्वदर्शिनी बराबर दृष्टवंतस्तनयो तत्वदर्शिनी। अन्य असतः भाव न विद्यते और तु सतः अभाव न विद्यते उभयो अनयो अपि अंतः तत्वदर्शिनी दृष्टः। हे अर्जुन ये समझ लो, तुम जिसको नाशवान समझ रहे हो वो नाशवान नहीं है, और तुम जिसको नित्य शाश्वत नहीं समझ रहे हो, अनित्य समझ रहे हो, अनित्य नहीं है। क्योंकि सत अलग चीज़ है, असत अलग चीज़ है। सत में असत नहीं हो सकता, असत में सत नहीं हो सकता। जो सत्य है वो सत ही रहेगा, जो असत है वो असत रहेगा। जैसा कि वेदांत दर्शन में समझा रखा है, सत रज्जू में, असत सर्प का अध्यारोप हो जाता है किसी कारण, तब हमें रज्जू सर्प की तरह भान होता, परंतु जब भ्रम दूर हो जाता तब रज्जू रज्जू ही रह जाता है, रज्जू में सर्प का भान हट जाता है। उसी प्रकार हमें इस आत्मा में असत का ज्ञान हो जाता है, इस आत्मतत्व में परमात्मा जो कि परब्रह्म जो कि नित्य तत्व है, उसका अंशभूत इस आत्मतत्व में हमें तभी भ्रम हो जाता है कि आत्मा को हम नाशवान मान बैठते हैं, लेकिन वो नाशवान नहीं है, वो नित्य शाश्वत है। इस चित्र को समझाने के लिए करें, असतः जो असत है, जिसका सत नहीं है, जो सत नहीं है, जो नाशवान है, जो क्षणभंगुर है, उसका भाव अनुविद्यते, उसकी भाव उसकी सत्ता नहीं होती है। असत की कभी सत्ता नहीं हो सकती। जो असत्य है असत्य की सत्ता नहीं हो सकती। असत्य असत्य रहेगा, मिथ्या मिथ्या रहेगी, सत्य सत्य रहेगा। और तू सतः भाव अनुविद्यते, जो सत्य है उसका अभाव नहीं होता, सत्य नित्य शाश्वत उसका अभाव कभी नहीं होता। त्रैकालिक भाव त्रैकालिक सत्ता उसी की होती है, और असत की त्रैकालिक असत्ता होती है। अनयो वयोरपि इन दोनों सत और असत, असत कौन है, न ये नाशवान देह शरीर, ये जो भौतिक चीज़ें, ये जो सांसारिक जड़ वस्तु है, ये सब नाशवान है, ये असत है। और सत जो है वह है नित्य सत्व बुद्धि संपन्न परमात्मा, और परमात्मा अंश भूति आत्मा, इन उभयो दोनों का भी अंतः तत्व को तत्वदर्शी भी दुष्ट, इसके गूढ़ रहस्य को, अंतः गूढ़ रहस्य को तत्वदर्शी भी तत्व को दर्शन करने वाले तत्वदृष्टा पुरुषों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, विवेकशील पुरुषों के द्वारा, धैर्यवान पुरुषों के द्वारा, धीरों के द्वारा दृष्टा देखा गया है, तब मनन किया गया है, चिंतन किया गया है, समझा गया है। इसीलिए तुम एक मननशील चिंतनशील स्वाभिमानी धैर्य पुरुष हो, तुम्हें इस सत असत में भेद का ज्ञान होना चाहिए। इसे असत में सत का ज्ञान, सत में असत का ज्ञान इस प्रकार तुम्हें नहीं होना चाहिए। अर्थात ये जो तुम करोगे मर जाएंगे, वही नहीं मरेगा, क्योंकि आत्मतत्व के रूप में सारे के सारे नित्य है, शाश्वत है। तुम्हारे गुरुजन वगैरह ये पुनः पुनः जन्म ग्रहण करेंगे, इनकी कभी मृत्यु नहीं हुई न होगी। तुम ऐसे मत सोचो कि इनकी मृत्यु हो जाएगी, इनका शरीर नष्ट हो जाएगा, परंतु ये आत्मतत्व के रूप में हमेशा नित्य शाश्वत दशा में रहेंगे। तुम इस प्रकार कभी दुखी मत बने। आगे फिर समझाते हुए कह रहे हैं, अविनाशी तुता विद्धि येन सर्वमिदं
ततम विनाश मव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। संधि विच्छेद सर्वं धनिदं सर्वमिदं विनाशं धनव्ययस्य धनस्य विनाशं मव्ययस्य कर्तुम् धनार्हति कर्तुम् अर्हति। अरे हे अन्वय हे अविनाशी अविनाशी हे अर्जुन अविनाशी तत् विद्धि येन इदं ततं सर्वं ततं अस्य अव्ययस्य विनाशं कर्तुम् कश्चिन् अर्हति। पर हे अर्जुन अविनाशी तो तद्विद्धि तत् उस आत्मतत्व को तुम अविनाशी विनाशशील नहीं है, नित्य है, शाश्वत है, नाशवान नहीं, स्थिरस्थाई ऐसा तुम समझो, विद्धि समझो। विद्धि धातु से लोट लकार एक वचन विद्धि समझो, तुम इसमें हृदय साथ कर लो, आत्मसात कर लो, तुम इसको समझ लो, तुम इसको हृदयंगम कर लो कि जो आत्मतत्व है ये ब्रह्म तत्व है, ये कभी नाशवान नहीं है, ये हमेशा नित्य शाश्वत है। और ये न इस आत्मतत्व के द्वारा परमात्मा के अनुसभूत इस जिस आत्मतत्व के द्वारा इदम सर्वम ततम ये सारा का सारा ब्रह्मांड व्याप्त है। इसी बात की सवाश्वपनिषद में कहा गया, भाई सवाश्वपनिषद में ही बात कही गई, वहीं से गीता में आएगा, क्योंकि सर्वोपनिषद होगा अब सभी उपनिषदा ही गाएँ, उनसे दूर निकालने की तरफ निचोड़ निचोड़ करके यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता रहस्य के रूप में विस्तृत किया है। क्योंकि ईशावास्य प्रसिद्ध में कहा गया है ईशावास्यमिदम सर्वम जगत्याम जगत तेन त्यक्ति निमंजिता महाधक शुद्धनम। क्योंकि ईशावास्यमिदम तत्व ईशा ईशा कौन परम पिता परमात्मा ईश जो है परम तत्व वो सो ब्रह्म तत्व इसी प्रकार आत्मतत्व के द्वारा इशारा का सारा ब्रह्मांड व्याप्त है। अस्य अव्ययस्य विनाशं कर्तुं कश्चित् नार्हति ये अव्यय नव्यय अव्यय कभी विनाश ही नहीं है, जो आत्मतत्व का विनाशं कर्तुं मारने के लिए नष्ट करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। तुम कैसे कह रहे हो कि तुम मार दोगे, तुम्हारे हाथ में इनका वध हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम कौन हो मानने वाले, तुम मानने वाले नहीं हो, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा का कभी विनाश नहीं किया जा सकता, नाश नहीं किया जा सकता, वो हमेशा हमेशा के लिए शास्त्र नित्य धर्म के लिए आत्मतत्व रहता है। इसे आत्मतत्व का विनाश नहीं किया जा सकता, इसको अच्छी तरह आप समझ लीजिए अर्जुन, इसे दुखी मत बने और आगे युद्ध के लिए तुम तत्पर हो जाइए, अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन करते हुए। तुम्हें क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म युद्ध करना, चाहे किसी प्रकार कुछ भी उसके हाथों हो, वो सारा का सारा कोई अधर्म नहीं है, सारा का सारा धर्म है। यहीं हम आज विश्राम करते हैं, यही विराम लेते हैं, आगे अगली कक्षा में आगे हम इसको जारी रखेंगे। धन्यवाद।